वॉच एंड मोबाइल की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि बाहर निकलें, बाजारों में निकलें, ऑनलाइन ख़रीदारी ना करें, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें। ऑनलाइन में जो चीज़ आपको जितने की मिल रही है उसी से कम रेट में आपको बाजार में हमारी सारी आउटलेट पर उपलब्ध हैं। बाजार निकलें, बाजार में खुशियाँ और रौनक बढ़ाएँ। शिकायत जो है, जो अजमेर उत्तर के विधायक व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी की शिकायत दी गई है। मामला इस प्रकार है कि जो दिवाली के कार्ड छपाए गए हैं, दिवाली पर राजनीति करने का प्रयास किया गया है। जिन लोगों ने भगवान राम को पिछले 4 वर्षों में याद नहीं किया, दिवाली को याद नहीं किया, अब चुनाव के समय उनको दिवाली भी याद आ गई और भगवान राम भी याद आ गए, तो हमारा तो यही कहना था कि राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, ये तो खुद ही मर जाएंगे कोटे कर कर काम। इसमें दीपावली का संदेश कम प्रकाशित हुआ है और सरकार की उपलब्धियां, वसुंधरा राजे जी जो मुख्यमंत्री है उनका फ़ोटो, खुद का फ़ोटो, सरकार की उपलब्धियां, और विशेष बात यह है कि कार्ड उदयपुर से प्रकाशित करवाया गया है और उदयपुर की जो प्राइवेट पायोनियर प्राइवेट लिमिटेड मीडिया की जो एक कंपनी है वहाँ से ये कार्ड प्रकाशित होकर आया है। जब उदयपुर से कार्ड प्रकाशित होकर आया है तो इसकी अनुमति भी निर्वाचन विभाग से लेनी आवश्यक थी, क्योंकि ये नियमों में प्रावधान है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत निर्वाचन जो विभाग के नियम बने हुए हैं उसके तहत कई नियम बने हुए हैं, जिसमें उसकी कीमत का इस पर उल्लेख करना होता है, प्रकाशक का पूरा पता देना होता है और कई चीज़ें हैं, उसकी प्रकाशन की अनुमति भी लेनी होती है, उस मैटर की अनुमति भी लेनी होती है। ये कई महत्वपूर्ण मामले हैं। इस मामले को लेकर भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग, आचार संहिता प्रकोष्ठ और रिटर्निंग अधिकारी को भी शिकायत प्रेषित की गई और उन्होंने कहा इस पर जाँच करवाई है।